हेलो एवरीवन, तो आइए शुरू करते हैं ब्लैक ब्यूटी के क्वेश्चन आंसर। तो आप देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आंसर विद रेफरेंस टू द लेसन, लेसन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपने आंसर देने हैं। हु सेड दिस, ये किसने कहा, टू हूम, किसको कहा, एंड व्हेन और कब कहा, ये आपने बताना है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। देखिए सेंटेंस क्या है, द ब्रिज इज ब्रोकन इन द मिडल, बीच में से पुल टूटा हुआ है, एंड पार्ट ऑफ इट इज कैरिड अवे बाय द रिवर, वो इसका एक जो पार्ट है वो नदी के द्वारा बहा ले गई है, नदी बह गया है। इफ यू कम ऑन यू विल बी इन टू द रिवर, यदि आप आएंगे तो आप नदी में डूब जाएंगे, ये बात किसने कही, आंसर देखिए, ये बात कही थी वो जो टोल गेट पे वो आदमी बैठा हुआ था, वो टोल छिलाते हुए आया था, उसने कही थी। तो क्या लिखेंगे, द मैन एट द टोल गेट सेड टू, किसको कही, टू हुम, क्वेश्चन में आया ना, किसको कही, टू हुम, अब इसका आंसर किसको कही, टू ब्लैक ब्यूटीज, ब्लैक ब्यूटीज मास्टर एंड जोहन, वो घोड़ा गाड़ी में ब्लैक ब्यूटी का जो मास्टर था, मालिक, और जोहन दोनों आ रहे थे, तो उनको ये बात कही थी, द मैन एट द टोल गेट, किस आदमी ने कही थी, जो आदमी टोल गेट पे बैठा हुआ था उसने कही थी। अच्छा कब कही थी, व्हेन दे वर गोइंग टू क्रॉस द ब्रिज, कब कही थी ये बात उन्होंने, उस टोल गेट पे जो आदमी बैठा हो तो उसने ये बात कब कही थी, जब ये जोहन और उसका जो मालिक था ब्लैक ब्यूटी का, वे उसको टोल ब्रिज को पार करने जा रहे थे, जब उसने ये बात कही थी। नेक्स्ट देखिए ये लाइन देखिए, आई विश वी वर वेल आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट, ये बात किसने कही, किसको कही और कब कही, देखिए ये बात किसने कही थी, ब्लैक ब्यूटी के मास्टर ने। तो क्या लिखेंगे, आंसर ब्लैक ब्यूटी मास्टर, ब्लैक ब्यूटीज मास्टर, ब्लैक ब्यूटी के मास्टर ने कही टू जोहन, जोहन को कही थी, कब कही थी, ब्लैक ब्यूटीज मास्टर टू जोहन, व्हेन दे वर, When they were crossing the forest, जब वे फॉरेस्ट को पार कर रहे थे, कब कही थी, जब वे फॉरेस्ट जो था उस फॉरेस्ट को पार कर रहे थे, क्यों कही थी, बिकॉज देयर वॉज हैवी स्टॉर्म, क्योंकि बहुत तेज तूफान था, बिकॉज देयर वॉज ए हैवी स्टॉर्म, देयर इज समथिंग रॉन्ग सर, यहां कुछ गल गड़बड़ है सर, ये बात किसने कही थी, जोहन, आंसर देखिए किसने कही, जोहन ने, जोहन सेड, जोहन ने कही टू His master, उसने अपने मालिक को कही, कब कही, When Black Beauty refused, the Black Beauty refused कर दिया, इनकार कर दिया, refused to cross
क्रॉस द, जब ब्लैक ब्यूटी ने उसको क्रॉस करने से मना कर दिया जब ये बात कही थी, तो जोहन सेड टू हिज मास्टर, जोहन ने ये बात अपने मालिक को कही, कब कही? व्हेन ब्लैक ब्यूटी रिफ्यूज टू क्रॉस द ब्रिज, जब ब्लैक ब्यूटी ने पुल को पार करने से रिफ्यूज कर दिया। रिफ्रेंस टू द क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन है, आर यू रियली सेफ माई डियर, क्या आप वास्तव में ठीक है माई डियर, ये बात किसने कही थी? द मास्टर्स वाइफ, मास्टर की पत्नी ने, तो क्या लिखेंगे? द मास्टर्स वाइफ सेड टू हिज हस्बैंड, द मास्टर्स वाइफ सेड दिस टू हिज हस्बैंड, मास्टर की पत्नी ने अपने पति को कही, व्हेन ही, कब कही? व्हेन ही रिटर्न होम, जब वह घर वापस लौटा, तो क्योंकि वो उसको नहीं लगता था, बिल्कुल गहरी रात हो चुकी थी और देर हो गई थी, वो चिंता में थी और बुरे बुरे विचार आ रहे थे, तो उसको लगा कुछ ना कुछ दुर्घटना घट गई है। उसने उसके भाई को भी, जेम्स को भी वहाँ पे पुल पे ढूंढने के लिए भेजा हुआ था। व्हाई डिड ब्लैक ब्यूटी लाइक टू गो इन द डॉग कार्ट, डॉग कार्ट में ब्लैक ब्यूटी ने क्यों पसंद किया उसमें जाना, उसको चलाना? आंसर देखिए, बिकॉज इट वॉज लाइट एंड हाई व्हील्ड, क्योंकि ये जो कार्ट थी, डॉग कार्ट, ये हल्की थी वजन में और हाई व्हील थी, इसके जो व्हील थे वो ऊंचे थे। इट वॉज प्लीजेंट टू ड्राइव इट, इट वॉज प्लीजेंट, इसको ड्राइव करना, इसको खींचना आसान था, इसलिए उसने उसको उसमें जाना, मतलब अच्छा लगता था, प्लेजेंटली उसको महसूस होता था उसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन टू द ब्रिज, जो पुल है उसमें क्या हो जाता था इफ द रिवर वॉज फुल, जब नदी पूरी भरी हुई होती तो क्या हो जाता था? तो आंसर देखिए, इफ द रिवर वॉज फुल, If the river was full, यदि नदी पूरी भरी होती तो क्या हो जाता था? The water would be nearly the water would be nearly अप टू द वुडवर्क, जहां तक लकड़ी का काम हो रखा था वहां तक पानी भर जाता था। एंड प्लैंक्स ऑफ द ब्रिज, एंड प्लैंक्स ऑफ द ब्रिज, और जो पुल के जो फट्टे थे वहां तक पानी आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैन एट गेट से, जो आदमी गेट पे होता उसने क्या कहा? आंसर देखिए, द मैन एट द गेट सेड, और उसको डर था कि आज की रात जो है बहुत बुरी।
एंड इन वन लो पार्ट ऑफ द रोड द वॉटर वॉच फुल हाफ अप टू हिज नीज, उसके घुटनों तक पानी आया हुआ था। हाउ डिड ब्लैक ब्यूटी रिएक्ट टू द अपरूटिंग ऑफ द ट्री, जब पेड़ टूटकर उनके आगे गिरा था तो ब्लैक ब्यूटी जो घोड़ी थी उसने कैसा रिएक्ट किया था? द आंसर देखिए, द ब्लैक ब्यूटी वॉच फ्रोजन इन शॉक, मतलब घबरा करके सतत रह गई, हैरान रह गई, मतलब जम गई वहां। एंड स्टिल एंड स्टूड स्टिल, और बिल्कुल हिली नहीं वहां से, एंड स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्थिर खड़ी हो गई एकदम से पैर गड़ा के, और आगे नहीं वो घबरा गई थी बहुत ज्यादा। तो क्या आंसर है? द ब्लैक ब्यूटी वॉज फ्रोजन इन शॉक एंड स्टूड स्टिल। व्हाई डिड ब्लैक ब्यूटीज मास्टर टर्न बैक टू द फोर क्रॉस रोड्स, फोर क्रॉस रोड्स की तरफ उसका जो ब्लैक ब्यूटी का मास्टर था उसने अपनी गाड़ी को क्यों टर्न किया? बिकॉज दे कुड नॉट ड्राइव ओवर द अपरूटेड ट्री, क्योंकि जो पेड़ अपरूटेड हो गया था उनके आगे जो पेड़ जड़ से उखड़ कर गिरा हुआ था उसके ऊपर से वो नहीं ले जा सकते थे। दैट हैड फॉलन अक्रॉस द रोड, क्योंकि पूरे रोड पे वो फैला हुआ था। नॉर कुड दे राउंड इट, और नहीं इसका वो चक्कर लगा के दूर से आ सकते थे, इसलिए उन्होंने वो जो दूसरा रोड था क्रॉस रोड फोर क्रॉस रोड उसकी तरफ अपनी गाड़ी को लेकर गए। हाउ वॉज ब्लैक ब्यूटी रिवॉर्डेड फॉर हर गुड सेंस, उसकी एक अच्छी सेंस थी, उसने उनको मरने से बचाया खुद को भी बचाया, इसके लिए उसको क्या रिवॉर्ड मिला ये लिखना है हमें। गुड बार्न मैस एंड क्रस्ट बीन्स विद ओट्स एंड ए थिक बैग ऑफ स्ट्रॉ, ये रिवार्ड उसको मिला था। ब्लैक ब्यूटी रिवार्डेड विद ए गुड बार्न मास, अच्छा दलिया उसको जो पशु जो डालते हैं उबाल के वो उसको मिला था, एंड चोकर जिसको बोलते हैं, एंड क्रस्ट बीन्स विद ओट्स, जिसमें ओट जो बीन्स थी वो क्रस्ट की हुई दलिया बनाया वो उसको मिला, और सोने के लिए क्या मिला? थिक बेड ऑफ स्ट्रॉ, घास फूस का एक बहुत अच्छा उसको एक बिस्तर मिला।